रीवा जिले की मानिकवार चौकी पर दो पुलिस कर्मियों ने जरा सी बात पर युवक से पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर उसे चौकी के पीछे ले गए और उसे बांध कर बेल्ट और डंडे से पीटा। इस घटना की शिकायत करने युवक एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। घटना मंगवा थाना क्षेत्र स्थित मानिकवार चौकी की है। मानिकवार चौकी क्षेत्र के पतारी गांव का निवासी सुनील सिंह परिहार अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक को दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसपी कार्यालय पहुंचे फरियादी सुनील सिंह ने मानिकवार चौकी में पदस्थ दो पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने बताया कि वह पेशे से चार पहिया वाहन का चालक है। बोलेरो वाहन चलाकर वह अपना जीवन यापन करता है। बीती शाम वह मानिकवार पुलिस चौकी के सामने अपने बोलेरो वाहन में बैठा हुआ था। उसके साथी ने गलती से वाहन का सेल्फ स्टार्ट कर दिया और सामने खड़े एक दूसरे वाहन से जाकर टकरा गया। टक्कर मामूली थी और जिस वाहन से उसका वाहन टकराया उसके मालिक ने शिकायत आवेदन दिया था जो फिर वापस ले लिया, लेकिन थाना में पदस्थ मुंशी हीरेन्द्र सिंह बघेल और चालक डाबर ने दूसरे पक्ष से फरियादी सुनील सिंह के खिलाफ जबरन शिकायती पत्र ले लिया और दोनों पुलिस कर्मी फरियादी सुनील सिंह से 5,000 की मांग करने लगे और ना देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। सुनील सिंह परिहार कहाँ से आए हैं? मनिकवार से आए हैं सर। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, बोलेरो में गाड़ी चलाता हूँ, तो अपना जीवन याचिका करता हूँ सर। गरीब आदमी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो सर मुंशी हमें वो गाड़ी हमारी खड़ी थी वहीं चौकी के सामने ही, तो एक आदमी उसमें बैठा और सेल्फ मार दिया तो ऐसे हल्का जाकर टच हो गया। जब टच हो गया तो मुंशी, आज 3 महीने की पहले की बात है सर। किससे टच हुआ था? वो दूसरा आदमी था, हाँ। साथी था हमारा, वो बैठा था, वैसे सेल्फ मार दिया तो जाके मतलब ऐसे धीरे से जाके लग गई गाड़ी। किसको लगी थी? वो एक पटेल हैं आपके, खैरा कनकेसरा के हैं। मतलब कोई अन्य आदमी को लग गई? जी, अन्य आदमी को। जी जी, फिर भी उसके द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं गई। उसने बोला ठीक है, गलती सबसे होती है, तो उसने ऐसे सादा मतलब कंप्लेन किया था जिसको उसने कटवा दिया, कोई इसमें उसने कठोर कदम उठाया नहीं। अब हमारे जो मुंशी हैं मनकवार चौकी के, हीरेन सिंह बघेल और एक ड्राइवर हैं डावर करके जी, तो उनके द्वारा हमसे पैसे की मांग करने लगे। मेरे से 5,000 रकम मांग रहे थे सर। हमें 5,000 देने में असमर्थ था, मैं 5,000 उनको दे नहीं सकता था सर। तो उसने आक्रोश में आके मेरे को चौकी के पीछे ले जाके बेल्ट से बांध के अंधेले में तालिबान सजा दी सर। मेरे साथ घंटों मारपीट किए और मरना अवस्था में मेरे को छोड़ के वहीं से चले गए। पानी मांग रहा था, पानी भी मेरे को दिए नहीं। फिर इसके बाद कोई एक मुंशी आए जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ सर, तो उनने आके मेरे को उठाए और उठाने के बाद गया मैं, परिजनों को बताया अपने, इसके बाद डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा गए। पीठ में पूरे चोट लगी है? कैसे लगी? गिरने से लगी है? गिरने से नहीं, डंडों से पीटे हैं सर, डंडों और बेल्ट से पीटे हैं। अबे क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं सर कि अगर तुम कंप्लेन करने जाओगे तो तुम्हें हम 2 CC कोरेक्स रख के तुम्हें जबरन पकड़वा देंगे। ये बोलेरो चला के अपने जीवन है? जी 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 सर। मतलब ये है कि अबे अगर आप अधिकारी शिकायत करोगे तो आपके ऊपर NDPS लगाया जाएगा? जी जी, हमारे ऊपर NDPS लगाया जाएगा। जी सर, क्या चाहते हैं अभी आप? मैं न्याय चाहता हूँ सर, पुलिस अधीक्षक महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूँ सर कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमें जबरन मारा गया है, हमें न्याय चाहिए सर। मैं न्याय की न्याय लेने आया हूँ सर। घटना कब हुई थी? कल शाम की है सर, 7 बजे की। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह परिहार। कल एक फरियादी मेरे पास आया था, उसका कहना था कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है और उसका फिर आवेदन लेके उसको मैंने SDOP मनगवा को उसकी जाँच की है। अगर कुछ अगर कृत्य पाए जाते हैं जो अवांछनीय है तो ऐसे संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ